हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में 95% लोग वीट का इस्तेमाल अपने गुप्तांगों यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स पर करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि वीट का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और कुछ लोगों का यानी कि कुछ लड़कियों का ये मानना है कि जब वो वीट का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स या फिर अंडर आर्म्स पर करती है तो उनका जो स्किन है वो काली पड़ जाती है, यानी कि उनकी स्किन डार्क पड़ जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से वीट का इस्तेमाल नहीं करती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीट का इस्तेमाल आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर या फिर अंडर आर्म्स पर कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा में आपको कैसे इसको यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपकी स्किन काली ना पड़े और आपका जो बॉडी का पार्ट है वो पहले से ही ज्यादा जवान और सुंदर लगे। जैसे जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक वीट क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम और सेकंड चीज मिलती है हमें इसे एक स्पैचुला, जिससे कि हम अपने हेयर्स पर इसे अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो एरिया जो होता है दोस्तों वो होता है हेयर्स पर अप्लाई करने के लिए, और जो ये एरिया होता है ये फिर हेयर क्रीम जो लगाते हैं वो रिमूव करने के लिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपको ये कैसे यूज करना है अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर, अंडर आर्म्स पर या जहां पर भी आपको यूज करना है। वैसे तो 95% लोग इसे अपने प्राइवेट पार्ट्स पर ही यूज करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, मान लीजिए ये आपका, ये मेरे हेयर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे हाथों पर हेयर है, तो मैं ये आपको रिमूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको इस क्रीम को इस तरीके से ओपन करना है और जहां पर भी आपको हेयर है अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर आपको इस तरीके से लगा लेना है। बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी एक जगह पर इस तरीके से थोड़ा सा क्रीम लगा लेना है और आपको 2 से 3 मिनट इसको लगे रहने देना है। आपको महसूस करना है कि आपको इसमें जलन तो नहीं हो रही है या आपकी स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूं अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो थी इंस्ट्रक्शंस। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी पार्ट पर जहां पर भी आपको हेयर्स है उस जगह इससे आपको थोड़ा सा लगा लेना है। बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना होता है, बहुत ज्यादा लगा लेते हैं कुछ ज्यादा अच्छे ज्यादा तेजी के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये मैंने लगा लिया। अब आपको कैसे करना है ये यूज, आपको ये एरिया यूज करना है, ये वाला गोलाई वाला एरिया। तो आपको इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है अपने अपने हेयर्स पर। ये देखिए इस प्रकार से कितनी आसानी से ये फैल जा रहा है। हाथों के इस्तेमाल से नहीं लगाना चाहिए, हमेशा स्पैचुला के यूज से ही आपको ये अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने हेयर्स पर, इस तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर, अंडर आर्म्स पर, टांगों के बालों पर और कहीं पर भी आप जहां पर चाहे लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा लेने के बाद आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको अपने बालों पर ये लगे रहने देना है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट बाद आपको ये रिमूव कैसे करना है। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे किसी तरह की जलन का एहसास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेरा यूज करने का तरीका वो बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बालों को रिमूव कैसे करना है स्पैचुला की हेल्प से। दोस्तों आपको अपने बालों के अपोजिट डायरेक्शन में इसको यूज करना होता है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज्यादा रिमूव हो चुके हैं और इस स्पैचुला के अंदर आ सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ये देखिए, और ये इस तरीके से, इस तरीके से, और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मेरी स्किन डार्क भी नहीं हुई, यानी कि मेरी स्किन काली भी नहीं पड़ी है, मेरी स्किन का कलर पहले के जैसा ही दिख रहा है। ये देखिए, इधर और इधर में कोई खास फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो है रिमूव करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से, ये देखिए बाल रिमूव हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से आपको इसमें दिखाई देंगे, क्रीम के साथ आ चुके हैं और ना ही मुझे कोई जलन हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल एहसास हो रहा है और पहले से ज्यादा मैं फील कर रहा हूं कि मेरी स्किन और भी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये तरीका होता है इसको इस्तेमाल करने का। तो आपको जो बातों का ध्यान क्या रखना है, एक तो दोस्तों इसे आप बहुत ज्यादा ना लगाएं, उतना ही लगाएं जितने की जरूरत है, और दूसरी चीज आपको 5 मिनट से ज्यादा इसको लगे ना रहने दे। तो ये दो कारण होते हैं, या तो बहुत ज्यादा आप लगा लेते हैं तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है और स्किन में जलन महसूस होने लगती है यूज के दौरान, और या फिर आप 5 मिनट से ज्यादा इसे टिका रहने देते हैं अपनी स्किन पर, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल जाती है या फिर आपको जलन महसूस होने लगती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है वीट को यूज करने का। वीट एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके अनचाहे बालों को, प्राइवेट पार्ट के बालों को यूज रिमूव करने के लिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन जल गई है, काली पड़ गई है और आपको दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे ठंडे पानी से धोने के बाद
आपको अपने स्किन पर लगाना है एलोवेरा जेल, जहां पर भी आपने बाल रिमूव किए हैं वहां पर आपको एलोवेरा जेल यूज करना है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आपको एक लेना है आलू, आलू को जो स्किन होती है जो उसका पील कर लेना, यानी कि उसकी खाल छील लेनी है, और उसको जो स्किन होती है आलू की जो पील होगी उससे आपको अपने जो पर भी आपने बाल रिमूव किए वहां पर आपको उससे मसाज करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी और आपकी आपको जलन भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।